नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में, जो कि छप्पर फाड़ बुकिंग हुई है और छप्पर फाड़ यात्री भी उसमें सफ़र किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन ट्रेनों को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम गरीब रथ की ही बात कर लेते हैं। गरीब रथ जो कि 1 दिसंबर को लास्ट बार ये चलेगी सहरसा की ओर से, जिसका आप बुकिंग स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। 29 नवंबर को 92 नंबर वेटिंग है, यानी कि छप्पर फाड़ वेटिंग आप इसको कह सकते हैं। और वहीं 1 दिसंबर को जो कि अंतिम बार ये ट्रेन चलेगी सहरसा की ओर से, उसमें भी 59 नंबर वेटिंग चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी इन ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सहरसा से सुपौल और झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा होते हुए ये ट्रेन चलती है, लेकिन इसको लेकर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है कि इस ट्रेन को परमानेंट किया जाए। हालांकि झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी ने एक बार आवाज़ ज़रूर उठाया था इस ट्रेन को परमानेंट करने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। यही वो वजह है कि इस ट्रेन को आखिरकार बंद किया जा रहा है रेलवे की ओर से, लेकिन अभी भी प्रयास किया जा सकता है इस ट्रेन को परमानेंट करने के लिए, जो कि नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, अब कुछ दिन बचे हैं इस ट्रेन को, इसका अंतिम फेरा जो बचा हुआ है 1 दिसंबर को ये ट्रेन बंद हो जाएगी। उसके बाद एक फिर से जो है सुना सुना हो जाएगा ये रेलखंड। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन की, जो कि फॉरबिसगंज, राघोपुर, सरायगढ़, झंझारपुर के रास्ते चलती है, उसका भी बुकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें भी वेटिंग, यानी कि ट्रेनें जब से चली है तब से वेटिंग वेटिंग ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ट्रेन भी आज आखिरी बार यानी कि 27 नवंबर को आखिरी बार चलेगी और इसके बाद ये ट्रेन बंद हो जाएगी। जो कि ये ट्रेन भी अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा इसका रेवेन्यू आ रहा था, अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी गई, लेकिन इसके बावजूद इसको लेकर प्रयास नहीं किए गए, लेकिन इस ट्रेन को अब जो है वो बंद किया जाएगा। वहीं अगर हम तीसरी ट्रेन की बात करें, जो कि है सहरसा से दानापुर और पुणे, ये ट्रेन हाल ही में एक्सटेंड करके दानापुर से सहरसा लाया गया था, जो कि 24 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक ये ट्रेन चलेगी और 38 ट्रिप ये ट्रेन चलना था, जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये ट्रेन भी पूरा होने वाला है। यानी कि 30 नवंबर को ये ट्रेनें भी बंद हो जाएगी। इसको लेकर भी कोई खास तरीके का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन सभी ट्रेनों को स्पेशल के रूप में चलाया गया था, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद, इतने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद, इस ट्रेन को परमानेंट नहीं करना कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सभी ट्रेनें मिली थी। और हम बात करें अगर सरायगढ़ दरभंगा, ये जो रेलखंड है, नई रेल लाइन है, और इस नई रेल लाइन पर ये लंबी दूरी की पहली ट्रेन मिली थी, वो भी ट्रेनें छिनने वाली है। और एक बार फिर से सरायगढ़ दरभंगा रेलखंड सूना होने वाला है, और साथ ही सरायगढ़ फॉरबिसगंज रेलखंड ये भी सूना होने वाला है, जो कि लंबी दूरी की पहली ट्रेन इस रूट पर चल रही थी, लेकिन वो भी अब छिनने वाला है। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया और इसको लेकर आवाज़ें उन लोगों ने नहीं उठाई। संसद में उन्होंने इसको लेकर मजबूती से मांग नहीं रखा। शायद यही वो कारण है कि रेलवे इस ट्रेन को बंद करने पर जो है वो तुली हुई है, और आने वाले दिनों में ये ट्रेन बंद भी हो जाएगी। और कटिहार अमृतसर स्पेशल तो आज ही बंद हो जाएगी, यानी कि आज आखिरी फेरा वो ट्रेन चलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन जनप्रतिनिधियों और रेल विभाग तक पहुँचाइए, ताकि इस पर उनका ध्यान आकर्षित हो।